बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अलीना व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व अमान पे रखे, सबको खैरियत से रखे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 पाउंड जो है, 2 और 3 पाउंड्स जो है वो चिकन ब्रेस्ट है, जिनको मैंने अपने मुताबिक जो है वो काट लिए हैं पीसेस में। और उसकी फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट और लेमन लिया है। फर्स्ट मैरिनेशन से इसकी 15 मिनट की, जिसको मैंने सॉल्ट और लेमन लगा कर जो है ना रख दिया था। तो अब हम करेंगे इसकी सेकंड मैरिनेशन। तो सेकंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया है और बिल्कुल उसमें से पानी जो है निकाल दिया हुआ है। कसूरी मेथी है, सूखा धनिया है और गरम मसाला है, मस्टर्ड ऑयल है, ब्लैक सॉल्ट और सादा नमक है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड रेड कश्मीरी चिली, जो रेड पेपर होता है वो लिया है। अब ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर ऐड करेंगे हम सारे मसाले चिकन के अंदर और अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए जो है ना रख देंगे ढक के। और मेरा टॉम को लगी है भूख और वो खाना खा रहा है। और यहाँ पर आ गया है मेरा प्यारा सा बेटा अयान। ओके, चलते हैं अपने चिकन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हीट अप कर लिया पैन को, तो पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है अपनी कढ़ाई को, जिसमें हमने शामिल करना है अब ये चिकन। और अभी ऑयल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चिकन ने पानी रिलीज़ करना है, योगर्ट भी है तो वो पहले उसी के अंदर जो है उसने पकना है। तो 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कवर करके पकाएंगे। और जब तक चिकन हो रहा है रेडी, मैं साथ में क्लीन कर रही हूँ डिशेस, क्योंकि मेरे पास डिश वॉशर नहीं है और साथ साथ में ढेर लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सो क्लीन एवरीथिंग साथ के साथ। सो ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं और करते हैं चिकन को चेक। तो चिकन देखिए यहाँ पर पानी भी ड्राई हो रहा है और चिकन भी गल गया है और बढ़िया ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है चिकन में से। तो अब यहाँ पर मैंने शामिल करना है ऑयल और ऑयल के साथ इसको करेंगे थोड़ी देर फ्राई। तो ये देखिए जी, इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। और कश्मीरी रेड चिली से एक तो है कि उसका टेस्ट भी अच्छा है और कलर के लिए वो बहुत ही अच्छी है। आई डिडन्ट यूज़ अ कलर इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने लिया है एक फॉइल पेपर, जिसमें मैंने थोड़ा सा कोयले को जला कर जो है उसमें धुआं देना है, ताकि बिल्कुल इसका तंदूरी टेस्ट आए। और इवन मेरी कैट जो है वो बिल्कुल चिकन खाने के लिए रेडी बैठा है और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब कर देंगे इसको कवर हम 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए जनाब, ये बैठा है चिकन खाने के लिए और बड़े शौक से घर का चिकन खाता है। और इसने मुझे म्याओं म्याओं करके ना तंग कर दिया है। और ये है मेरे चिकन टिक्का की फाइनल लुक, जिसके साथ मैंने मैक्रोनी सलाद बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका, घर में सबको बहुत पसंद है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।